शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हुई बहस। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 25 फरवरी को सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हो गई। प्रयागराज में हुए हत्याकांड को लेकर सीएम योगी बयान दे रहे थे और समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज की घटना बेहद दुखद है, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। पेशेवर अपराधी और ये माफिया किसके द्वारा पाले पोसे गए हैं और क्यों नेता विरोधी दल को इतनी परेशानी हो रही है। दिनकर की कविता पढ़ते हुए सीएम योगी ने कहा कि चोरों के जो हैं हित ठगों के बल हैं, जिसके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी, आपके कारनामों की वजह से ही जनता ने आपको ठुकरा दिया था। अपराधियों को महिमा मंडित कर ये लोग गौरवान्वित होते थे, लेकिन आज देश दुनिया जानती है कि इस सरकार में अपराधियों पर कार्यवाही हो रही है। इसी बीच सीएम योगी ने कहा कि बयान दिया जाता था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इस पर अखिलेश यादव भड़क उठे और चिन्मयानंद का जिक्र कर सवाल पूछ लिया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आश्चर्य होता है कि ये लोग सुरक्षा की बात करते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा कि चिन्मयानंद किसके गुरु हैं। जवाब में सीएम योगी ने भड़कते हुए कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण जवाब आ गया जिस माफिया के खिलाफ जो भी है, किसी का नाम मार दिया ना, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा है बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बट तोड़ने का काम हमारी सरकार।